डोगरा फूड्स एंड फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं जीरा गोली, जिसको जीरा पाचक गोली भी कहते हैं। ये बिल्कुल हाजमोला जैसी ही होती है, हम इसे बनाएंगे और देखिए ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाती है। इसके लिए मैंने अमचूर पाउडर ले लिया है, ये मैंने 2 चम्मच लिया है, ये मैंने 3 चम्मच लिया है जीरा। जीरे को मैंने रोस्ट कर लिया, अभी ग्राइंड कर लूँगी। ये मैंने 1/2 कप ले ली है चीनी और ये मैंने लिया है काला नमक। अब हम क्या करेंगे, पहले चीनी और जीरे को ग्राइंड कर लेंगे। इसको मैं पहले ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर बात करते हैं। ये देखिए चीनी हमने पीस ली है, ये मैंने बिल्कुल बारीक पीस ली है, इसको हम डाल लेंगे। उसके बाद जीरा, आमचूर, काला नमक, ये डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा पाउडर रेडी है, इसको मैंने बिल्कुल मिक्स कर लिया, इसमें गुठली कोई नहीं बची। अब हम इसमें ये थोड़ा सा जीरा डाल लेंगे, जीरा डाल के ये भी मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम ये नींबू का रस है, ये थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें हम लोग आटा बना लेंगे। इसका बिल्कुल आटा गूंथ लेना हमने इसका। ये आपने एक ही बार में सारा नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा डालना। ये आपके हाथ में भी चिपकेगा। ये आटा सारा आपने इसी से गूंथना है। थोड़ा थोड़ा नींबू का रस हमने और मिला लेना है, जितनी जरूरत होगी उतने से हम गूंथ लेंगे। ये रेडी है हमारे, अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। गोलियाँ बनाने के लिए हम इसको धीरे धीरे ऐसे करेंगे। ये हमने चीनी रखी है पाउडर, इसमें डालते जाएंगे। जितना आपको रखना है उसी के हिसाब से आपने इसमें कोट करके चीनी के साथ निकाल लेना है। इसी हिसाब से हम लोग और बनाते जाएंगे, छोटी बड़ी जैसे भी आप बनाना चाहो। ये देखिए ये हमारी जीरा गोली रेडी है। इसी तरीके से हमने इनको शुगर में कोट कर लिया है। मैंने चीनी थोड़ी ली थी पहले ही, क्योंकि बाकी चीनी वेस्ट हो जाती है। ये खाने में बड़ी पाचक होती है, आप सुबह शाम इसको खाने के बाद भी खा सकते हो। वैसे भी अगर आपको कभी इंडाइजेशन वगैरह हो जाए तब भी आप इसको खा सकते हो। इसके बाद हम बाउल में निकाल देंगे, इसको फ्रिज में जो बाहर टेबल पे रख देंगे, कहीं ख़राब नहीं होती और खाने में बड़ी मज़ेदार होती है। बच्चे बड़े सब खुशी से खाते हैं इसे। ये देखिए ये हमारी गोलियाँ रेडी है। बनाइए आप भी, अच्छी लगे तो बाकी के साथ भी शेयर कीजिए।
कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।